और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम खबर, जिसकी वजह से दिल्ली का दम निकल गया। जी हां, गाजीपुर आनंद विहार NH 9 पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। इंदिरापुरम प्रगति मैदान के पास भी लंबा जाम लगा हुआ है। कल भी ये तस्वीर सामने आई थी, किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में कई जगह जाम लग चुका है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग ऑफिस के लिए निकले वो इसी लंबे जाम में फंस गए हैं। और कल भी जिस तरह की खबरें सामने आई थी कि एम्बुलेंस भी इसमें फंसी रही घंटों तक, आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। रिंग रिंग कर गाड़ियां जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं, एक कदम चलती है और उसके बाद लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ रहा है। देखिए, एम्बुलेंस की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। इस वक्त मरीजों को अस्पताल पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में जगह जगह जाम की ये तस्वीरें नजर आ रही है। वहीं गाजीपुर और आनंद विहार की तरफ भी रुख करें तो यहां भीषण जाम लगा हुआ है। NH 9 पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार महीनों से जारी किसान आंदोलन की वजह से तस्वीर और ज्यादा जाम से भरी कुछ इस तरह से कल दिखाई दी और आज भी कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। आंदोलन जारी है, लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि अब आंदोलनकारी जो है, यानी कि उपद्रवी जो है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था कई लेयर्स में जो बनाई गई है उसका सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच देखिए आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि दिल्ली में भयंकर जाम से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। जिन्हें अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ना है वो यहीं पर फंस कर रह गया है। जाम करने वालों पर पुलिस आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। आंदोलन के नाम पर आखिर रास्ते क्यों जाम किए जा रहे हैं, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि एक तरफ आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ इसका असर किस तरह से सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लंबे जाम से यहाँ पर निकलने वाले लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऑटो, बाइक, गाड़ियां, बसें सब इस जाम की चपेट में हैं। लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, रेंग रेंग कर एक कदम आगे दिल्ली वाले बढ़ रहे हैं। खासतौर से एम्बुलेंस को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है, लेकिन जाम इतना है कि आखिर रास्ता मिले तो कहां से मिले। इंदिरापुरम प्रगति मैदान के पास भी आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि जाम लगी हुई है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली NCR इस वक्त जाम का सामना करने को मजबूर है। गाजीपुर आनंद विहार NH 9 की तस्वीर भी लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। इस बीच इंदिरापुरम प्रगति मैदान के पास भी अगर आप रुख कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जगह जगह जाम लगा हुआ है। हिमांशु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कुछ तस्वीर इस वक्त जाम को लेकर दिखाई दे रही है? कल भी ये तस्वीर थी और आज भी यही तस्वीर, इस तरफ आए तो फंस जाएंगे लंबे जाम से। और सीधी तस्वीरें आप देखेंगे तो ये इंदिरापुरम की तस्वीरें हैं, जो रास्ता सीधा नेशनल हाईवे से आपको कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनको जॉब पर जाना है वो बेहद परेशान है। कितनी परेशानी हो रही है मैम आपको? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, लग रहा है कब से परेशानी हो रही है। ये हो गए इस समय तो बहुत ज्यादा परेशानी है, पहले तो कम थी, अब जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लगता है किसानों को उठ जाना चाहिए। उठ जाना चाहिए और क्या, आपका क्या कहना है मैम? बहुत ज्यादा, क्या कहना है आपका? ड्राइविंग में भी इतनी परेशानी हुई, जाम देख के लग रहा है हम टाइम से पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो आगे भी क्या चुपाते हैं। रोजाना जाम से जूझ रहे हैं। किसानों को उठना चाहिए या अभी भी रुकना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से उठना चाहिए, क्योंकि जनता इतनी परेशान हो रही है तो उठना चाहिए। जनता परेशान है, किसानों को उठ जाना चाहिए, ये आप सुन रहे हैं। जॉब पर जाना है इनको, सुबह सुबह घर से निकले हैं, लेकिन रोजाना इस तरह की तस्वीरें गाजियाबाद और दिल्ली NCR के चारों तरफ देखने को मिलती हैं। आप देखिए सड़कें पूरी तरह से पैक हो चुकी हैं। एक पूरा जो चौराहा है मेन इंदिरापुरम का, यहाँ पर पूरी तरह से जाम है। लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, कुछ लोग दिल्ली से गाजियाबाद आना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो कुछ लोग नोएडा जाना चाहते हैं। ऐसे में चारों तरफ की तस्वीरें आप देखिए, बसें फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, जो मोटरसाइकिल है उनके पहिए भी जाम है। गाड़ियां तो छोड़िए, दो टू व्हीलर बाइकें हैं वो पूरी तरह से फंसी हुई हैं। सभी लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार जॉब पर पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है। भैया कहाँ जाना है आपको? गाजियाबाद जाना। गाजियाबाद जाम कब से लग रहा है? आधा घंटा जाम में लग रहा है कि पहुंच जाएंगे, इस तरह से जाम लगा हुआ है। बिल्कुल हिमांशु, हम देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह से यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और तस्वीरों के जरिए हमने देखा कि पूरी तरह से यहां पर तो गाड़ियां रेंग भी नहीं रही हैं, यानी कि जहां हिमांशु मौजूद है वहां पर एक कदम भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। सईद आमिर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। सईद, आपकी लोकेशन भी हम जानना चाहेंगे और तस्वीरों के जरिए ये भी चाहेंगे कि आखिर किस तरह से DND में ये हालात यहां पर बने हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम ये हाईवे, मतलब ये पूरा टोल प्लाजा है जहां से लोग पार करते हैं, क्या दिक्कतें यहां पर सामने आ रही हैं?
देखिए अभी अभी मैं सुबह से इस पर नजर बनाए हुए हूँ और सुबह से मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पर जाम लगने की स्थिति है, लेकिन विजुअल पहले दिखाता रहूंगा आपको। विजुअल देखिए आप, इस समय के हालात है, डीएनडी पर भी मौजूद है हम, और डीएनडी फ्लाईओवर के जो डीएनडी टोल है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, और आगे बढ़ करके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि दिल्ली जाने वाले लोग ये समझ लें न्यूज नेशन देख करके कि उनको ये रूट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्लो ट्रैफिक है, हाँ बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियां नहीं जा रही हैं, लेकिन जो कल की स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। आज थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल रही है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। ऑफिस जाने वाले लोग 10:30 बजे तक ऑफिस के लिए मूवमेंट करते हैं, ऐसे में ये ट्रैफिक बढ़ सकता है, ये आशंका जताई जा रही है। लेकिन कल जैसे हालात इसलिए बदतर हो गए थे, रही है हल्की रफ्तार है, बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं है, हल्की रफ्तार है। जैसा कि आपने जो तस्वीर यहां पर दिखाई, कल तो और भी हालात यहां पर बद से बदतर नजर आ रहे थे। मोहित भी हमारे साथ मौजूद है, आप आईटीयू में मौजूद है। मोहित, आपके पीछे की तस्वीर यहां पर क्या कहती है, हल्की रफ्तार देखने को मिल रही है या फिर जो तस्वीर हिमांशु ने दिखाई जहां पर गाड़ियां तट से मस होने को तैयार नहीं? देखिए मैं रिंग रोड प्रगति मैदान के पास हूं सविना इस वक्त, और तस्वीरें दिखा देता हूं, अपने आप में तस्वीर बोलती है कि गाड़ियां खिसक तो रही हैं लेकिन रेंग सी रही हैं। इसे कहा जाएगा रेंग ना कहा जाएगा, ये पूरा प्रगति मैदान का इलाका है, रिंग रोड का इलाका है। देख सकते हैं आप किस तरीके से धीरे 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 गाड़ियाँ चल रही हैं। जयराम आपको, जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो आपको विजुअल दिखाएंगे पीछे की तरफ के भी कि किस तरीके से लंबा एक जाम की स्थिति सी हो गई है यहाँ पर, और ये हालात हैं दिल्ली के। अगर आप दिल्ली के प्रगति मैदान रिंग रोड की तरफ आ रहे हैं तो सावधान रहिए, न्यूज नेशन की ये तस्वीर दिखा आपको बताएगी कि किस तरीके से अभी हालात हैं यहाँ पर। और दूर तक जहाँ तक आपको कैमरे की नज़र से देख पा रही होंगी, सब जगह आपको गाड़ियाँ धीरे 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 चलती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि गाड़ियाँ निकल तो रही हैं लेकिन जो टाइम है आपका, जिस टाइम पर आप 5 मिनट में पहुंच सकते हैं, उसी सफ़र को आपको करने में 20 से 25 मिनट लग रहे हैं, यानी कि दिल्ली वालों की मुसीबत जो है वो कम होती हुई नहीं दिख रही सविना। और ये तस्वीर आपको दिखा रही है कि किस तरीके के हालात जो हैं रिंग रोड पर बने हुए हैं, और ये ऑफिस टाइम अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे पीक आवर्स, क्योंकि ये काउंट होता है 9 बजे 10 बजे, तो ये और ज़्यादा भारी पड़ेगा दिल्ली वालों पर, क्योंकि जाम की स्थिति जो है वो स्पष्ट देखी जा सकती है। बिल्कुल, दिल्ली वालों पर अब ये किसान आंदोलन भारी पड़ता नजर आ रहा है, खासतौर से कल की जो तस्वीर थी और आज की जो तस्वीर है अमूमन बिल्कुल ही सेम नजर आ रही है, क्योंकि किसी भी तरह से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर सुचारू रूप से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मानशु एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे, पीछे की तस्वीरें अगर जहाँ से हम देख पा रहे हैं बिल्कुल गाड़ियां हिल नहीं रही है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से यहां पर ठप हो गई है, क्या इसी तरह का सामना भी शाम को जब जो लोग जा रहे हैं अपने मंजिल पर और जब लौटेंगे तो इससे भी ज्यादा खतरनाक जो स्थिति होगी क्या नजर आएगी उनके लिए? हम चाहेंगे कि न्यूज नेशन के जरिए उन्हें अभी मालूम चल जाए। बिल्कुल, देखिए दोनों समय, सुबह और शाम दोनों समय ये तस्वीरें रहती हैं, जब तब भी और जब थक हार कर वापस अपने घर जाने के लिए निकलते हैं ऑफिस से, तब भी इसी तरह का नजारा रहता है। 1 से 1.5 घंटे जाम में इसी तरह से फंसना पड़ता है, कभी कभी तो 2 से 3 घंटे भी हो जाते हैं। और कल की बात करें तो कल 4 घंटे लोग फंसे हुए थे जाम में, रो रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। तस्वीरें आप टीवी देखिए किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, और गाड़ियां तो दूर, जो बाइकें हैं वो आप देखिए, बाइक भी आगे नहीं जा रही है। जो बाइक पर सवार होकर लोग ड्यूटी जाना चाहते हैं, अपने ऑफिस पहुंचना चाहते हैं, वो भी नहीं जा पा रहे। ज्यादातर लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ियां हैं लेकिन अब गाड़ियों का सहारा छोड़ दिया है, अब बाइक से जाना चाहते हैं ताकि समय पर अपने ऑफिस पहुंच जाए, ड्यूटी पर लेट ना हो। और जो लोग यहाँ है उनसे पूछ लेते हैं, सर ड्यूटी पर जा रहे हैं? यहाँ से ड्यूटी पर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं भैया, लग रहा है कि पहुंच जाएंगे समय से। क्या कहेंगे सर, जाम है? जाम है, किस वजह से जाम लग रहा है? किसानों की वजह से, उठना चाहिए किसानों को, अब यहाँ से परेशान होगी जनता, उठना चाहिए किसानों को, लग रहा है उठ जाने से, ये रोजाना इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, उठ जाना चाहिए। अब जो जनता है वो सीधे तौर पर ये कह रही है किसानों को उठ जाना चाहिए, जनता का दर्द भी अब यहाँ पर समझना चाहिए किसानों को। दिल्ली NCR चारों तरफ से पैक हो जाता है, सुबह और शाम इसी तरह की जाम की तस्वीरें निकल कर आती है, और लगातार हॉर्न यहाँ पर लोग बजा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से रास्ता मिल जाए, आगे की तरफ निकल जाए और समय रहते अपने ऑफिस ड्यूटी पर पहुंच जाए।
जाए ताकि उन्हें डांट ना खाने पड़े। हालांकि लोग यहाँ से फोटो खींचकर अपने ऑफिस जरूर देते हैं कि हम जा रहे हैं, हम ऑफिस आ रहे हैं, लेकिन जाम की वजह से नहीं पहुंच पा रहे। और भी तमाम जो बाइकर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, सर ऑफिस जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक कदम गाड़ी आगे बढ़ती है और उसके बाद 20-25 मिनट के लिए पूरी तरह से टिक जाती है। हमारे तीनों संवाददाता बता रहे हैं न्यूज़ नेशन के जरिए कि किस तरह से जाम के हालात नज़र आ रहे हैं। गाज़ियाबाद की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, टोल से निकलना, आना जाना, बीच में जो बैरिकेड्स होते हैं, बीच में जो किसान आंदोलन की वजह से ये पूरे सुरक्षा के लेयर्स यहाँ पर तय किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से स्थिति जो है वो बिगड़े नहीं, हालात काबू में रहे। उसका खामियाजा देखिए यहाँ पर किस तरह से देश की जनता को उठाना पड़ रहा है, खासतौर से उन लोगों को जिनको सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलना होता है लेकिन फंस गए हैं वो पूरी तरह से। ये गाज़ियाबाद की तस्वीर है और न्यूज़ नेशन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये सब तमाम तस्वीरें अपने संवाददाताओं के जरिए दिखा भी रहा है ताकि किसी भी तरह से जो स्थिति है उसे आप पहले से ही यहाँ पर देख लें। और अगर इस रूट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर पूरी तरह से आप फंस जाएंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों ने पूरा आंदोलन की वजह से तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तो आंदोलन जारी है और जाम किस तरह से भारी पड़ रहा है उसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए गाजियाबाद की तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं क्योंकि जगह जगह जाम से जनता बेहाल हो रही है। जो लोग सुबह सुबह ऑफिस के लिए या फिर जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं वो इस वक्त जाम में बुरी तरह फंस चुके हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। एक इंच वाहन आगे बढ़ती है और उसके बाद यहीं पर 15-20 मिनट के लिए थम जाती है और अभी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो भयंकर जाम की ये तस्वीरें जगह जगह से आपके सामने पहुंचा रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कब तक यूं ही सहना पड़ेगा, आखिर कब तक यूं ही चलना पड़ेगा। एम्बुलेंस की तस्वीर भी आप देखिए। लगातार हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सिंघू बॉर्डर से। मोहित, सिंघू बॉर्डर की तस्वीर क्या कुछ इस वक्त कहानी बयां कर रही है? तस्वीरें हालांकि बता रही है कि यहां पर भी एक इंच गाड़ी आगे बढ़ रही है। पूरी तस्वीर आपसे जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।